नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं जनता के बीच में, जानते हैं जनता का अनुभव। डेरा सच्चा सौदा संस्था विश्व डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के लिए नमस्कार। मैम आपका शुभ नाम? सुनीता इंसा। सुनीता जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा? मैं 27 साल से आ रही हूँ। कितना विश्वास करते हो? बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं गुरु जी पर। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप? हमारी ज़िंदगी में सारे बदलाव गुरु जी की वजह से आए हैं। पहले हमारी ज़िंदगी नरक थी, इस जीवन का जीने का कोई आधार ही नहीं था। तो मेरे घर वाला भी शराब पीता था, बहुत ज़्यादा नशे करता था, और हमने नाम लेने के बाद उसने कभी आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। हमारा घर तो स्वर्ग बन गया। मैं तो ये चाहती हूँ उससे भी और भी बहुत सारी संगत के ऐसे ही घर सबके स्वर्ग बना दिए गुरु जी ने। घर मेरा जहाँ शराब का नशा और गंदगी उल्टियाँ वगैरह करते थे, और आज हमारे घर में राम नाम होने लगा, स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जीने लगे हैं सभी घर परिवार वाले। अब कोई नशा नहीं करता? नहीं, कभी। अब बीड़ी भी नहीं पीते, हमारे बच्चे भी आगे बीड़ी तक नहीं पीते, घर में कोई भी नशा नहीं करता। मैम आपको क्या लगता है किसकी वजह से आपके घर से नशा बंद हुआ? नहीं, हमारे घर में नशा पूज्य गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम रीम जी इंसा की वजह से हुआ। मैम आपको क्या लगता है कि इस समय भी संत जी की सोच की समाज को जरूरत? नहीं, इस समाज को संत जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। गुरु जी धरती पर जब से गुरु जी ने सत्संग किए तो देखो लाखों करोड़ों लोगों का गुरुजी ने नशा छुड़वाया। बेटियों को जो वेशों के कोठों पर गंदगी में गुड़ियाँ लिपती, उन बेटियों को अपनी बेटी बनाया, उनको अपना शुभ नाम दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई करके देखे ऐसा तभी पता चले। और रहा जैसे अब पौधारोपण तो है ही, बाकी और सारे काम जितने कोरोना के टाइम देखो, साध संगत ने अपनी जीवन की कभी चिंता नहीं की, और लोगों की हर मास्क हो चाहे दवाइयाँ हो चाहे फ्रूट्स हो हर संभव मदद की। और हर महीने जैसे बच्चों को ये गर्भवती महिलाओं को राशन देना और भी बहुत सारे काम साथ संगत करती है, जो पूज्य गुरु जी ही हमारे शिक्षा देते हैं उसी के वजह से सारी संगत सेवा करती है। आपको लगता है कि उनके ना रहने से कोई प्रभाव पड़ा है 5 सालों में जो समाज के ऊपर, कैसा प्रभाव पड़ा है? उनके ना रहने से समाज पर बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ा है, बहुत ही बुरा असर पड़ा। देखो सभी बच्चे नशा बुराइयों में लिप्त हैं। गुरुजी कहाँ तो 5 साल के अंदर कितने सत्संग करते, कितने लाखों करोड़ों लोगों को नाम देकर उनकी जिंदगी को स्वर्ग बनाते, और कहाँ वो बच्चे बुराई की दलदल में फंस गए हैं। कोई शराब पीते, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं, घर वाले जिसका एक एक बेटा होता वह नशेड़ी हो जाता है, मारपीट जेलों में पड़े रहते हैं। कितना बुरा हाल है समाज में, पंजाब में तो देखो कितना नशा, ये किस चिट्टा चट्टा पता नहीं क्या कहते उसको, वो नशा बहुत ही ज़्यादा है। गुरुजी अगर सत्संग करते तो देखो कितने लाखों अरबों लोग, मैं तो कहती हूँ आधे से ज़्यादा अपना इंडिया तो सारा ही लगभग सुधर चुका होता अगर गुरुजी 5 साल से अंदर ना जाते तो। ये गुरुजी को बाहर निकालने की आने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो यही समाज को संदेश देती हूँ भी, सभी इसके लिए गुरुजी को आने के लिए विनती करें, प्रेयर करें, दुआ करें भगवान से कि वो जल्दी आए और हमें सत्संग करें और हमें गाइड करें अच्छे कामों के लिए। मैम अगर बात की जाए जो संत जी के बारे में बोला गया, जो संत जी के ऊपर आरोप लगाए गए, उस सब के बारे में आपकी क्या राय है? जो गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगाए वो झूठे और बेबुनियाद हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अब हम कहें तो इसमें बहुत सारे लोग जो ड्रग माफिया हैं और जो ये नहीं चाहते कि सत्संग करें, गुरु जी नशे दूर करें, शराब के ठेके बंद हो, भी नशे बंद हो, उन लोगों का ही पीछे मैं तो यही मानूंगी, उन लोगों का ही याद है। गुरु जी जैसा तो कोई मैं को नहीं, धरती पे कोई पहले संत महात्मा ही आए हैं और उनके बराबर तो किसी की मैं तो तुलना नहीं समझती अपने आप में, भी उनके बराबर तो कोई है ही नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि आप गुरुजी को जल्दी से बाहर निकालिए और रिस्पेक्टली बाहर निकालिए, ऐसे नहीं भी ऐसे ही आपने वो कर दिया, बिल्कुल रिस्पेक्टली कि आप जाइए, आप जी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो भी हुआ मतलब उसके लिए सॉरी कह के ही निकालिए, मैं तो यही चाहूँगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की मांग है कि संत जी समाज में आए, एक उस रिस्पेक्ट के साथ आए जिस तरीके से संत जी ने समाज हित के लिए कार्य किए हैं। इनका वहीं पर कहना है कि जो भी बातें उठाई गई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लगातार आ रहे हैं और इनकी ज़िंदगी बदली है यहाँ पर आकर। किस तरीके से संत जी ने लोगों के घरों को स्वर्ग बनाया है, उनके घरों से नशा खत्म करा है, ये साक्षात आपके सामने प्रणाम है। और ये लोग अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज में नशा फैलता जा रहा है, सरकार से अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में वापस आएं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।